आप सभी कैसे हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल और न्यू ब्लॉग। आज हमारे न्यू ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और जय माता दी बोलते हुए ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। मम्मी क्या कर रही है यहाँ पर, मम्मी से ही पूछते हैं। मम्मी ने मेहंदी लगा रखी है क्योंकि गर्मी बहुत हाई लेवल की हो रही है और इस गर्मी की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हो जाती है, तो मैंने सोचा क्यों ना बालों में मेहंदी लगा ली जाए जिससे ठंडक। और हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है यूट्यूब फैमिली, माय सब्सक्राइबर्स, और जय माता दी बोलते हुए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और पूनम भारद्वाज, प्रदीप भारद्वाज चैनल में आपका स्वागत करती है गाइस। और यहाँ पर मम्मी क्या काट रही है? घिया कट कर रही हूँ, घिया की सब्जी बना रही हूँ गाइस, जो हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है। और घिया भी बोलते हैं, लौकी भी बोलते हैं, और पता नहीं क्या बोलते हैं। और थोड़ी क्वांटिटी में हम बनाएंगे क्योंकि गाइस हमारी सब्जी बच जाती है, और जब बच जाती है तो कोई खाता नहीं, कोई खाता नहीं है, और वेस्टेज जाती है, इसलिए वेस्टेज नहीं जाए, इसलिए हम कम क्वांटिटी में बना रहे हैं। और मैं बारीक बारीक घिया कट कर रही हूँ। और सब लोग इसको चने की दाल के संग बनाते हैं, पर चने की दाल बहुत ज़्यादा हैवी होती है, तो हम इसे मूंग दाल के संग बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनेगी। प्याज वगैरह ला दो। मैं दोस्तों प्याज लाता हुआ, और ये बड़ी किया देखो बच गई है, तो इसका हम कल कुछ और बनाएंगे। ओहो रायता बना लेंगे कल, रायता भी बनता है गाइस, घिया का बहुत सारी चीजें बनती है। और प्याज लेके आना है, लहसुन लेके आना है, और कल जो मैंने दवाई लाई थी वो मैंने ले ली है। प्याज ले ली, केवल दो ही प्याज लेंगे तड़के के लिए। मेरी और ये व्हाइट वाले प्याज है, गर्मी का टाइम है ना इसलिए हो गए, और लहसुन लेके आओ। इसके लिए हमने दो टमाटर भी लिए हैं। प्याज को हम बारीक कट कर लेंगे, और स्मॉल किचन का ब्लॉक हम नहीं लेके आ पा रहे हैं गाइस, आप समझ सकते हैं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो घर का काम कर लो वही काफ़ी है, और ब्लॉग्स भी बनाने पड़ते हैं, और रील्स भी बनानी पड़ती है। दोस्तों हमने लहसुन लिया है, लहसुन जो भी बोलते हैं, गार्लिक, बारीक हमने बारीक बारीक प्याज काट लिए हैं गाइस। और इतना बारीक लहसुन क्यों लेके आई है? बारीक को देख लेता, और तो मोटे हैं ही नहीं, सूखे हुए हैं मोटे बहुत ज़्यादा। और गाइस देखो ये चिड़ियाएं हमारे हैं ना ऊपर ही रहती है, आपको रोशनी की वजह से दिख नहीं रही होगी क्योंकि गर्मी इतनी तेज पड़ रही है ना, तो गाइस अभी लहसुन ख़त्म हो चुके हैं, लहसुन ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर मम्मी ने कितनी सारी चीज़ें ले ली है,
यहाँ पर हमने प्याज कट कर लिया है, यहाँ पर लौकी कट कर ली है। कल हमारे संग कुछ स्पेशल हुआ है गाइस। क्या हुआ है मम्मा? कल हमारे इनविटेशन आया है। कहाँ जाने का आया है कल के ब्लॉग में बताएंगे। किरण तो हर चीज की पोल खोलती रहती है, कोई सस्पेंस ही नहीं रखती। लोग तो अपना ब्लॉग झूठ झूठ बोल के बनाते हैं, थंबनेल कुछ और डालते हैं, बताते कुछ और है अपने ब्लॉग्स में। और यहाँ पर गाइस कम से कम हम ऐसा तो नहीं करते। देखिए हमने लहसुन छील रहे हैं, लहसुन छील रहे, और यहाँ पर हमारा कचरा हो चुका है, ऐसे बगल के आएंगे हम। ये कचरा नहीं है गाइस, इससे है ना जानवरों की भूख मिट सकती है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो साग सब्जियों का जो वेस्टेज जो छिलके उतरते हैं, बहुत सारी साग सब्जियों की जो, उससे हम बहुत सारी उपयोग की चीज़ें बना सकते हैं। उससे हम खाद भी बना सकते हैं पेड़ पौधे में डालने के लिए। उससे हम मतलब उसको हम जानवरों को भी डाल सकते हैं, जिससे पता नहीं कितने जानवरों का पेट भरता है गाइस। तो इसको आप कचरे में ना डालें, हम तो मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी, इसको आप अलग से इकट्ठा करके और जहाँ पे जानवर आपको दिखते हैं वहाँ पे डालें। और अगर आपने नर्सरी कर रखी है तो उसके लिए आप खाद बना सकते हैं गाइस, बहुत सारी उपयोगी चीज़ें बनती है इससे। तो इसको हम कचरा नहीं बोलेंगे, मैं यही करती हूँ, आप लोग भी यही करिए। और इतने से ही लहसुन डालेंगे क्योंकि गर्मी तेज पड़ रही है। और ये टमाटर, चलिए चलते हैं। और ये हमारा ठंडा पानी पड़ा है, मैं पीना चाहूँगा। दोस्तों पापा ने कुछ बोला है, मम्मी ब्लॉग कंटिन्यू करो, मुझे हेलो गाइस, हमने मोबाइल यहाँ लगा दिया है। और इस सब्जी को हम इस टूटे कुकर में मंडेंगे। इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। फोन पकड़ लो। और इसके लिए हमने मूंग दाल ले ली है, इतनी सी, और ज्यादा नहीं लेंगे। और वो छीली हुई है, और इसको हम वॉश कर लेंगे। हम इसे वॉश कर लेते हैं। हमने वॉश कर लिया है, और हम इसमें राई जीरा गिरेंगे। ज़्यादा खड़े मसाले हम नहीं खाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं वो। और हमारे ये गिर चुका है, और इसमें हम जाएगा हींग, जो कि है भगवती हींग। भी ऐड कर दिया है। अब इसमें हम डालेंगे प्याज, प्याज ऐड करेंगे। ओ, हमने प्याज डाल दिए हैं, पर ये दिख नहीं रहा कि कमी क्या है। मुझे प्याज डाल दिए, देखिए।
और ये जो मिक्स हो गए हैं उन्हें भी छाट छाट के डाल रहे हैं। लहसुन को हमने पीसा नहीं है, लहसुन बारीक बारीक के तो हमने ऐसे ही गिर दिया है गाइस। लहसुन प्याज डाल दिया हमने, अब सब मिला लेंगे। और इसमें हम गिरेंगे एक हरी मिर्ची डाल देंगे कट करके, हमने अब इसमें हम डालेंगे घिया, लौकी, लौकी कट कर ली थी हमने जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें हम डालते जा रहे हैं। हमने इसमें घिया गिर दी है, अब इसको हम मिला लेंगे। सिंपल सी सब्जी बना रहे हैं, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा में मसाले नहीं डाल रहे हैं। और इसमें हम टमाटर भी डाल देंगे गाइस। हम टमाटर कट कर लेते हैं सब्जी में और डाल दिए हम टमाटर। हम मसाले दे देंगे जैसे हल्दी हो गया, बहुत सारे मसाले होते हैं दोस्तों, इसमें कुछ भी निकला हुआ नहीं है जो कि मम्मी को निकालना पड़ेगा। नमक यहाँ पर मम्मी को नमक लेना है, मम्मी नमक ले रही है, नमक हमारा नमक बिखर चुका है गाइस। ओहो चीनी में मिर्ची में बिखर गया है। मोबाइल में ध्यान दे ले, हेलो गाइस, हम इसको ही घेर देंगे। से मिर्ची घेरेंगे केवल, क्योंकि आप लोगों को पता है हम मिर्ची नहीं खाते हैं। और दोस्तों ने ये डाल दिए मसाले, मम्मी अब धनिया घेरेगी इसमें, इससे डाल देगी। मेरा धनिया भी डल चुका है, से मिला रही है। और इसमें हम डाल देंगे अब मूंग दाल धोकर। मम्मी ने उसका पानी निकाल दिया। लेकिन गाइस बहुत अच्छी टेस्टी दाल बनती है, जैसे चना दाल घिया बनती है ना वैसे। हाँ इस दाल को कभी बना के देखना है ऐसे, और जो लोग बनाते हैं वो कमेंट करके बताना कि आप लोग कैसे बनाते हैं। मैं बना रही हूँ वैसे ही बनाते हैं। अब इसमें हम पानी डाल देंगे, हम इस पर दो मतलब और भी गिरेगी पानी, हमने 3 गिलास पानी ऐड कर दिया है इसमें। कितने? 3 गिलास। कब गेली में 3 गिलास? नहीं 2 कटोरी ना। हेलो गाइस, हमने 3 गिलास पानी ऐड नहीं करा है, केवल 1 गिलास पानी घेरा है। आप अपनी क्वांटिटी के अनुसार पानी घेरे। और अब इसके अंदर हम ढक्कन लगा देंगे, और हमारा कुकर सीटी नहीं मारता है तो इसको ऐसे ही होने देंगे। दोस्तों
गर्मी होने देते हैं, गर्मी इतनी हो रही है। और एक चीज और करेंगे हम, ये पुदीना जो सूख चुका है इसको स्टोर करेंगे। और स्टोर करने के लिए हमने डिब्बी भी ले ली है, डिब्बी थी हमारे पास, तो चलो इसको स्टोर करते हैं। गाइस इसको स्टोर करने के लिए पंखा बंद कर दे, हम पंखा ऑफ कर देते हैं। हमने पंखा बंद करवा दिया है जिससे कि हमारा पुदीना उड़े नहीं, और जो गिर गया है उसको हम उठा लेते हैं और इसको ऐसे करेंगे। मोबाइल में ध्यान दे ले। हेलो गाइस, अभी इसको शूट करना नहीं आता है मुझे, इसको लड़ लड़ के शूट करवाना पड़ता है, तो आप माइंड मत करना। ये जो बची हुई सीके हैं पुदीने की, इनको भी हम हटा देंगे। केल पत्ती पत्ती निकालनी है हमें। ये आप स्टोर करके रख सकते हैं, गर्मियों के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। जैसे उस दिन मैंने आपको पना बना के दिखाया था कैरी का, उसमें भी ये गिरता है, तो आप सुखा के स्टोर कर सकते हैं इस तरीके से, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इसकी वेस्टेज चीज़ें मैं निकाले जाती हूँ। और गाइस हमारी मारवाड़ी भाषा में बोलते हैं कि एक ही ख़राब चीज़ें तो मैं निकाल दूँ ली और अच्छी अच्छी चीज़ें मैं रख लूँ ली, यानी पत्तियाँ ना तो रख ले वाला और सीका ना निकाल देऊँगा, जिससे कि माँ को पुदीनों साफ साफ सो रहे, किरकिर ना भाई कंदर। तो हमारी मारवाड़ी भाषा ऐसे बोली जाती है गाइस राजस्थान के अंदर। और जितना हो सकता है उतना हम इसके सीके निकाल लेंगे और इसको ऐसे करेंगे गाइस, हाथों से क्रश करेंगे, हमारी सीके निकलती जाएगी गाइस। हम इसको क्रश कर रहे हैं। ऐसे स्टोर करके आप इसको रायते में भी डाल सकते हैं, आप इसको आलू की झोल वाली दही वाली सब्जी बनती है उसमें भी डाल सकते हैं। बहुत सी चीज़ों में इसका उपयोग होता है, ठंडाई बनाने में भी इसका उपयोग होता है, और नींबू की शिकंजी वगैरह जो हम बनाते हैं उसमें भी इसका उपयोग होता है। तो ये सीके जो निकल रही है इनको हम निकाल देंगे। हमारी सीके निकल रही है, गाइस मेहनत तो लगती है लेकिन ये देसी देसी जो नुस्खे होते हैं वो हमारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं। और देसी चीज़ें ही खानी चाहिए, आजकल बहुत ज़्यादा केमिकल्स की चीज़ें आती हैं वो उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। और मैं जीन्स पहनने वाली आपको ये नॉलेज की बातें बता रही हूँ क्योंकि मैं जीन्स ही पहनती हूँ, बाकी जो भी हमारा कल्चर है उसको मैं फॉलो करती हूँ, क्योंकि देसी कल्चर इज़ बेस्ट कल्चर। मॉडर्न बनो पर अपने खान पान को मॉडर्न मत बनो। ये फास्ट फूड वगैरह कम खाओ जिससे कि हेल्थ हमारी अच्छी रहे। और बहुत सी चीज़ें हमारे मतलब दादी परदादी नानी सबसे हमें पुश्तैनी में मिली हुई है, उनको ही फॉलो करें। और मम्मी से जो हमें सीखने को मिलता है उसी चीज़ों को फॉलो करें। अगर आपको नहीं बनाना आता है तो अपनी मदर से सीखें, क्योंकि मदर इज़ वेरी गाइडलाइन।
मदर से बढ़िया कोई भी नहीं सिखा सकता है। आप अपने ससुराल के अंदर भी ये सब चीज़ें बना सकते हैं अगर आपने अपनी मदर से सीखा है तो। वैसे गाइस उल्टा ज़माना चल रहा है आजकल, जिसको नहीं आता है ना इज्जत उसकी होती है, और जिसको आता है ना उसकी इज्जत नहीं होती है ससुराल में। और सीखे हमने इसकी सारी सीखे निकाल दी है, अब इसको हम अच्छे से क्रश कर लेंगे, और अभी भी निकल ही रही है तो हम इसको क्रश कर देंगे। दोस्तों मेहनत तो लगती है गाइस, लेकिन मेहनत का फल भी हमें मिलता है। और मैंने मेहंदी लगा रखी है, अब थोड़ी देर में मैं नहाऊंगी जब इसको धो लूंगी गाइस, और मौसम भी अच्छा अच्छा सा हो चुका है। गर्मी में तो मौसम ठंडा हो जाए तो बहुत अच्छा होता है दोस्तों। दोस्तों ऐसे हम निकालेंगे बारीक बारीक, हम इस डिब्बी में डाल लेंगे गाइस। अब इसको हम रायते में डालेंगे, पने में डालेंगे, और चीटियाँ बहुत सारी चीज़ों में डालेंगे। और डिब्बी में मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि गाइस हमारे बहुत सारी चीटियाँ आ जाती है। अब इनमें से हम कचरा निकालेंगे, ऐसे कर कर के हम इसका बारीक बारीक निकाल लेंगे। इसको हम चाट में भी डाल सकते हैं, सलाद में भी डाल सकते हैं, और फल फ्रूट की चाट में भी डाल सकते हैं। फल फ्रूट की चाट में तो हाँ डाल के खा सकते हैं अगर आपको पसंद हो, क्यों नहीं डाल सकती, पुदीना ही तो है। अब ये हमारे 10-15 दिन आराम से चल जाएगा, 10 दिन तो चल ही जाएगा गाइस। और गर्मियों में बहुत ही फायदेमंद चीज़ है ये, हर इंसान को खानी चाहिए, और बहुत से लोग जो पुराने ज़माने के हैं वो तो खाते ही हैं। अब आप ये मत सोचना कि इस चीज़ें खाने से इंसान पुराने ज़माने का हो जाता है, इस देसी कल्चर वेस्टेज हम ऐसे निकाल देंगे गाइस। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बता रही हूँ कि जिनको नहीं आता है वो भी अगर देख देख के सीखेंगे तो बहुत अच्छी बात है। हमने भी हमारी मम्मी से सीखा है, नानी से सीखा है, दादी से सीखा है, तो अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो उनका ज्ञान दिया हुआ है वो हमारे साथ है। तो जिनको नहीं आता है वो देख देख के सीख सकते हैं अगर, तो हमारा काम हो चुका है और हमने इसमें भर दिया है। और ये देखिए पूरी डिब्बी भर चुकी है और 10-15 दिन आराम से चल जाएगी। तो चलते हैं, वो एक और थैली थी, कहाँ है एक और थैली। हेलो गाइस थोड़ा सा और बचा हुआ है, उसको भी हम कर लेते हैं। और लेट इसलिए नहाऊंगी मैं क्योंकि मैंने मेहंदी लगाई थी, ये सीखे भी हम निकाल देते हैं। ये तो गंदा हो रहा है, इसको तो चलो ये ख़राब हो चुका है। तो दोस्तों ये ख़राब हो चुका है इसलिए हम इसको नहीं लेंगे। और इसको हम यहाँ रख देंगे, फुल डिब्बी भर चुकी है और हमारे कुकर में सब्जी हो रही है। गाइस हमारे कुकर में सीटी नहीं आती है, खराब पड़ा है, तो इसको हम ऐसे ही होने देते हैं। और ऊपर का मौसम दिखा के आ जाओ, ऊपर का मौसम और पानी भी डाल दिया था, पानी के मैं भर के दे दूँ, ये रहा इसमें डाले दोस्तों ये पानी है, हम पौधों में डालेंगे, पिलाओगे ये डाल के आ चिड़ियाओं के लिए भी डालना पड़ेगा इसमें से, तो हम चिड़ियाओं के लिए डाल देते हैं।
बेटा कुछ पानी डाल दिया है, पता नहीं किस सुअर ने बगिनी कर दिया है खड्डा। एक ये सुराई है, हमने इसमें भी डाल दिया है, पर ये तो पूरी भर ही नहीं रही, धुल रही है तो। और थोड़ा सा पानी बचा है, जितना पौधों में जलेगा उतना मैं डालूंगी। मेरा किचन, चलो ऊपर की ओर चलते। खेल चुका है, देखिए इसमें से भी निकल गया है। वो देखो क्या उग गया है, मैंने इधर है ना खरबूजे के बीज डाले थे। हेलो गाइस, पता नहीं हमने काहे काहे के बीज डाले थे, इधर इधर कद्दू का इधर खरबूजे का, एक छोटा सा पौधा निकल चुका है। और इसमें से भी देखिए डालियां निकली है, देखो डाली। और बाकी और तुलसा जी हमारी सूख गई है गाइस, इसमें हम हल्दी डालेंगे। देखिए दोस्तों कितना अच्छा हुआ है पौधा, पर इसके पानी और डाल लो, पकड़ो पानी लेके आ फटाफट। हेलो गाइस, आप देख सकते हैं उंगली नहीं करनी चाहिए, नहीं तो उगता नहीं है ये। और आप देख सकते हैं उस पेड़ पे भी और आसपास चिड़ियाँ चहक रही है। और गन्ने के रस वाला आ चुका है क्योंकि गर्मी तेज पड़ रही है। आप देख सकते हैं जा रहा है और ये पेड़ की फलियां पक चुकी है और एक चीज और बताती हूँ, शायद एक और निकल रही है। ये नहीं नहीं ये नहीं है, नहीं है ये इसको उगने दे, ज्यादा पानी मत दे, इसमें तो ज्यादा चाहिए। देखो ये देखो निकलने लग गया, तुलसा जी में भी डाल, देखो ये निकल रहा है। हेलो गाइस, हमारी तुलसा जी ये बीज ऐसे कैसे हो गए, कौन ये बीज है पता नहीं किसने मींगनिया कर दी। हेलो गाइस, धूप की वजह से हम ऊपर आना नहीं होता है हमारा, चलो फिर नीचे चलते हैं। हमने पानी डाल दिया है, अब नीचे चलते शाम हैं। को और डाल दूंगा इसमें। और ये चिड़िया देखो हमारी यहीं बैठी रहती है गाइस, इसको धूप लगती है। नीचे चलते हैं और आप लोग बताना मेरी मेहंदी सही लग रही है नहीं लग रही है। और लाइफ ऐसे ही चलती रहती है और हमारी सब्जी बनती रहेगी, किस तरीके से बनती है हमने बता दिया आपको। और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हुए एक बार सब्जी दिखा देते हैं। अगर हमारी सब्जी लगभग होने के लिए तैयार हो रही है, इसको हम वापस लगा देते हैं। हमारी सब्जी हो रही है और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। जो नए सब्सक्राइबर हमसे जुड़ रहे हैं, सबसे पहले जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि वो भूल जाते हैं और ब्लॉग्स देखते रहते हैं। और
हमारा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दे। और कल फिर नए ब्लॉग के संग आपसे हम जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। जय माता दी। जय माता दी दोस्तों।